अगली खबर की ओर। स्थानीय पुराना बस स्टैंड स्थित एक निजी रेस्तरां में सोमवार को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में 11 अगस्त को पानीपत में होने वाले प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के कार्यकारी प्रधान अशोक भुवानी वाला ने बताया कि 11 अगस्त को पानीपत में होने वाले प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे तथा अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान करेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाएगा ताकि उन समस्याओं को हल करवाया जा सके। इसके साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल करवाया जाएगा। अशोक भुवानीवाला ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी सुविधा व छूट दी गई थी, लेकिन भाजपा ने व्यापारियों पर अनाप शनाप शर्तें थोपकर व्यापार करना मुश्किल बना दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष प्रेम धमीजा ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्र में बहुत बड़ी एक ताकत है और हमारी आवाज को आम जन मानस तक पहुंचाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह धमीजा साहब ने कहा कि ऐतिहासिक धरती भिवानी पर धमीजा साहब का जिन्होंने प्यार से यहाँ पर क्योंकि हमारे बड़े भाई अशोक जी भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं उनके सहयोग से इस व्यापार संगठन में जो मुझे सेवा करने का मौका मिला वो सभी सारी तमाम टीम यहाँ की पंडित जी बैठे हैं, हरीश जी बैठे हैं, सभी साथी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का मुख्य जो हमारा एजेंडा है कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित 11 अगस्त को राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन जिसका मुझे को कन्वीनर बनाया गया, पूरी स्टेट का सह संयोजन बनाया गया है, उसके लिए आपके बीच में हम आज प्रस्तुत हुए हैं और यहां धमीजा साहब के माध्यम से यहां हम सभी व्यापारी साथियों को अपना व्यक्तिगत तौर पर जाकर मिलने भी सही निमंत्रण दे रहे हैं कि उस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। और बात यह आती है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये जो व्यापारी सम्मेलन मनाया गया है